संसार सिंधुतरणी हृदय जदीशा संकीर्तनमृत रसे रमते मनुष्ये प्रेमाम्बुधौ विहरणी यदि चित्त वीति चैतन्य चंद चरणी कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणी कुरुतानुरागम। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही हमारा गौड़ीय मठ का स्लोगन है, द ओनली स्लोगन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यही हमारा गौड़ीय मठ का एकमात्र स्लोगन। इस स्लोगन को चिल्लाते चिल्लाते हम बोलते रहेंगे, रटते रहेंगे और अंतिम में सोरी छोड़ेंगे। परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो कैसे महाराज? विजय थे और परम विजय थे, दोनों में फर्क क्या है? विजय थे बोले तो उसमें एक्सीलेंट एक्सट्रीम भाव प्रकाशित नहीं होता, मतलब इसके बाद भी कुछ हो सकता, ये मीनिंग आ जाता सामने। परम विजयते श्री कृष्ण, परम विजयते मैंने एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट विजयते, इसका बाद और बोलने का कुछ नहीं है। ग्रामर जो लोग पढ़ा है अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगला में, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तीन काइंड ऑफ भाव आता है। एक्सीलेंट भाव परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तनम न श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसी भाव को उपस्थापित करते हुए आम अंग्रेजी में थोड़ा बात बोला, ये थोड़ा हिंदी में भी बताना चाहिए। उसके बाद श्रील माधवेंद्र पुरीपाद का जो श्लोक है उसके स्वाद हमारा गौड़ीय मठ का कितना गहरा संबंध है वो विचार एक नया चीज प्रस्तुत करेंगे। सुबह 7 बजे से चर्चा हो रहा है, एक एक विषय चर्चा हो रहा है, सारे नया नया विषय, ये नहीं कि बंगला में विषय वही अंग्रेजी में, ये नहीं, नया नया विषय, क्योंकि ये अनंत कथा की सागर है। ये नहीं कि महाराज ये बोल दिया और कुछ है नहीं, ये नहीं, चैतन्य महाप्रभु चरण में अनंत रस सागर है, अनंत सिद्धांत सागर है, तो इसमें क्या कमी है? कुछ कमी है? इसमें कोई कमी नहीं है, अनंत सागर है, सिर्फ इसमें डुबकी डुबकी लगाना है। आदमी सोचे कि महाराज इसमें डुबकी लगाए तो हम मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं है, ये संसार के सागर में डुबकी लगाए तो उसमें आप मर जाओगे, संसार के सागर में डुबकी लगाओ तो उसमें मर जाओगे, लेकिन ये प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ तो महाराज तैर जाओ, यही तफात है। संसार सिंधु तरणे हृदय जयीसा, इत्यादि श्लोक बोला, प्रेमाम बुद्धि विहरणी यदि चित्त वित्ति तो चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम, चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। चैतन्य चरण में अपना दिल को बैठाओ और देखे तो सही, इतना तो दिल को बैठाया था संसार में इधर उधर, अब तो बैठा के देखो क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है, थोड़ा चाख के तो देखो, देखो मजा क्या है इसमें। तो इसीलिए बोला देखो जो परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का और भी सारे अवतार हैं, कृष्ण अवतार में द्वारकाधीश अवतार है, मथुराधीश अवतार है, लेकिन हम लोगों को वो सब नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए क्या चाहिए? आराध्य भगवान भुजस्तनेस्तध्याम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजपति वर्गेन जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम
तत्रागरण परहा। यही तो गौड़ीय मठ का सीक्रेट सिद्धांत है, यही तो गौड़ीय मठ का सिलेबस है जिसमें आप एडमिशन लिए हो। हमारा भजन करना है किसको? नंदनंदन कृष्ण को। आराध्य हो, आराधना किसको करना है? आराध्य भगवान भुजस्तने अस्तोध्याम वृंदावन। वासुदेव कृष्ण को नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भले नंदनंदन कृष्ण को। आराध्य भगवान भुजस्तने अस्तोध्याम वृंदावन ब्रज ईशो। वहां लिखा हुआ है सुंदर जे नंदनंदन कृष्ण कौन है? बोले नंद महाराज को छोड़ा है, छोड़ा नंद महाराज को छोड़ा जो है वो नटखट छोड़ा, उसको भजन करना है। नंदो की बेटा, नंद की छोड़ा, इसके भजन करना है। हमको तो लगन लगाया, मुहे लगन लग गया, मुहे लागे वृंदावन निको, बड़ा वृंदावन। और ब्रजवासी लोग सुंदर बताते हैं, वो बड़ा सिद्धांत की बात है, बड़ी दूर नागरी गोकुल नागरी, बड़ा दूर नगरी गोकुल नगरी, सचमुच दूर है लेकिन करीब है, करीब है ना। जहां पहुपाद है, जहां शिला भक्ति माधव गोस्वामी महाराज है, जहां शिला भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज है, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज है, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी, वहां गोकुल दूर है? दूर है? दूर नहीं है, दूर नहीं है, लेकिन हमारा तकदीर जल गया, इसीलिए नसीब खराब है, इससे दूर दिखता है। गोकुल नगरी तो नजदीक है, आई मीन उसमें बैठे हुए हो, अब तो गोकुल नगरी में बैठे हुए। भक्तिमय ठाकुर व्याख्या किया, ये जो अंतर्दीप है, ये जो मायापुर, दैट इज कॉल्ड गोकुल, यही तो गोकुल है, यही गोकुल, ये गोकुल में ही तो हमारा चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु आविर्भाव है। तो गोकुल का बाहर है हम गोकुल का बाहर है, गोकुल का अंदर है। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, हमारा ये जो बात इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे सुंदर। बोले देखो आराध्य भगवान भुजो स्तनय तद्धाम वृंदावनम, ब्रज की ईशो राजा कौन है? नंद महाराज, उसकी जो बेटा है वो। और भजन महाराज किस तरीके से करना है, किस तरीका से करना है भजन, तरीका तो बताओ, किस तरीका से भजन करना है? बोले महाराज तरीका हम क्या बताएंगे, ये तो बनी बनाए हैं, ये तो पहले से बताया हुआ है, इट्स ऑलरेडी देयर, दैट प्रोसीजर हाउ यू कैन वर्शिप कृष्ण इज ऑलरेडी गिवन देयर, व्हाई यू आस्किंग मी, हमको पूछ क्यों रहे हो? आराध्य भगवान बुझे जो स्तनेस्तधाम वृंदावनम राम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गे न जाकल्पिता। ब्रज की गोपिया जैसे कृष्ण का भजन किए हैं, ब्रज की ना रहने दो, ब्रज की गोपिया जैसे जिस तरीका से कृष्ण का भजन किए हैं, दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर यू शुड फॉलो। ब्रज गोपिया ने जैसे प्रोसीजर फॉलो किए हैं, करके कृष्ण का भजन किए हैं, उसी तरीका भजन कर रहा है। लेकिन अभी नहीं, अभी आप करने जाओ तो उल्टा हो जाएगा, अब हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे करना है। पहले जितना सारे आचार आचरण है उसमें प्रतिष्ठित करो अपने को, इसको ही हम बांग्ला में भजन रास्ते में भक्तिमय ठाकुर बताए थे, जे जे विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग कराए प्रवेश। हम ये बात को स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं, हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये रागानुगा भजन को ही तो देने के लिए हम लोग सामने उतार आए हैं, ये तो हम जानते हैं, हम कबूल करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वो जो भाव है, उनका जो प्रयास प्रतिष्ठा भजन की गुप्त सिद्धांत है, अपना भाव है, ये क्या इसी व्यवस्था बद्ध अवस्था में समझ में आएगा? समझ में आएगा?
चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या गहरा भाव है, ये भाव को समझने के लिए प्रभुपाद का कृपा चाहिए, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का कृपा चाहिए, हमारा गुरुवर्गों का कृपा चाहिए, तो अब हम समझेंगे चैतन्य महाप्रभु किस भाव लेके आए, किस काम किस लिए ये काम किए, किस लिए वो किए, किस लिए ये चीज किए, ये क्या है, इसका पीछे छुपा हुआ राज क्या है हमारा, इसको समझने के लिए हमको अपेक्षा करना है गुरुवर्ग का चरण में। हम अपना बुद्धि लगा के चैतन्य महाप्रभु क्यों ऐसा रो रहे हैं, क्यों क्यों ऐसा उछल कर रो रहे हैं, क्यों क्या बात है महाराज सब तो है, ये हम समझ में नहीं पाए, समझ लेना संभव नहीं। जब यही मायापुरी में सची माता का आंगन में, सची माता का ये जो आंगन में यही चैतन्य महाप्रभु जब गया में अपना पापा का अपना पिताजी का पिंडदान करने का बहाना किए और वहां से वापसी आए, वापस आने के बाद ऐसा उछाल मचा के रोदन शुरू कर दिया जैसे कि किसी भी हालत से इसका रोक टोक हो ही नहीं रहा। किसी ने सोचा कि महाराज ये भी तो हो सकता है कि इसका कुछ बीमारी फैल गया है, इसका दिमाग खराब हो गया, या हो सकता है कि वायु का बीमारी, वायु जब बीमारी होता है किसी का दिमाग काम नहीं करता, ये हो सकता, क्योंकि ऐसा उछल के रोना हमने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा, कैसे ऐसे हो गया। और उसमें तब आम लोगों को, हम लोग जितना सारे हैं वो समझ नहीं पाते। और भी एक सिद्धांत तो इसमें है, ये सची माँ और जितना सारे भक्तबिंदु है उधर, ये समझ नहीं पाते इसका पीछे क्या राज है, वो प्रेम वो जो वात्सल्य स्नेह है, मेरा लड़का का क्या हो गया, अब लोग आओ देखो पानी दो, दिमाग खराब हो गया और बुलाओ वैद्यों को बुलाओ, कैसा ऐसे हो गया, किस लिए, सची माता क्या हमारा मापिक जड़ जगत की माँ है, तुम्हारा मापिक माँ, बोले महाराज ये तो गोलोक की माँ, ये तो दिखाते हैं ऐसे कि ये जितने वात्सल्य हो जाए उससे वात्सल्य के द्वारा ये लगता है मेरा निमाई का दिमाग खराब हो गया, मेरा निमाई का तबीयत खराब हो, आप लोग आओ देखो क्या हुआ है, ये तो प्रेम की एक लीला है। सची माता जगन्नाथ मिश्रो, और फिर हमने देखे हैं महाराज भागवत में गुरुवर्गों का अनुगत में, वहाँ यशोदा माँ का क्या भाव है, गोपाल का मुखारविंद का अंदर अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए इतना डरपोक हो गए, महाराज क्या हो गया हमारा लड़का का, ये क्या दूत क्या देख रहे हैं, कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया, क्या हुआ, अब चलो चलो उसको थोड़ा भगवान का नाम देके उसको उसका भूत को उतारे, अजय कृष्णाय नमः नारायण नमः माधवाय उसका ही नाम देखे, उसको गो माता का पुछवा देखे उसको झाड़ रहा है, उसको उतारो भूत कहाँ आया है। लेकिन अपना पार्षदों में जो शिवास प्रभु है गदाधर है, इन लोगों का सामने महाप्रभु ने बाद में जब थोड़ा सुस्त हुआ तो प्रश्न किया, शिवास आज सच्चा बता तेरा अंदर में क्या आया था, जब हम असुस्त हुआ था तेरे को क्या लगा था कि हमारा दिमाग खराब हो गया था, सच्चा बता। बोले नहीं प्रभु हमको समझ में आया, जिस कारण आप जिसमें जगत में आए हुए हो उसी चीज को वितरण करके करने के लिए, दैट वाज द फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ रूपानुग धारा, रूपानुगो धारा का ये पहला प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन शुरू हुआ, तो हमने गलत नहीं समझा, शिवास अगर तू मेरे को उल्टा समझता तो हम गंगा में जाके छलांग लगा के अपने शरीर को समाप्त कर देता। बस सच्चा बात तो ये है कि अंतरंग भक्तों का पास कभी भी कुछ भगवान का लीलाएं क्रिया कर्म छुपे नहीं रहता, सारे प्रकाशित हो जाता है, भगवान अब छुपे रहने का कोशिश करते हैं तो लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। राय महाशय राय रामानंद का साथ कितना चालाकी किया चैतन्य महाप्रभु, राय गोदावरी का तीर में हैं, अब बताओ हमको थोड़ा, हमको सन्यासी देख के वंचित मत करो, थोड़ा को कृष्ण रस पान कराओ, हमको मायावादी देख के वंचित मत कराओ, थोड़ा बोलो कुछ पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय साधो साधन का थोड़ा क्रम बताओ, धीरे आगे चलो। और महाराज
ये राय रामानंद बोलते चले और बोल दिए, महाराज आप तो देखते हो कि हम बताते हैं, चैतन्य महापो सुनते हैं, लेकिन वो सिद्धांत बोले कि देखो मोर मुखे राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय, राय मुखे राय का जमान पे बैठकर गौरांग महापो स्वयं कीर्तन करते हैं, स्वयं कीर्तन करा रहे हैं। जब बागीसा जस्व बदने लक्ष्मी जस्व चबक शशि, इसमें क्या माने हुआ महाराज हम तो समझे नहीं। बाघ ईशा जस्य बदने, नृसिंहदेव का मुख का अंदर साक्षात अपराकृत सरस्वती बैठी हुई है। बाघ ईशा जस्य बदने, जिसका जमान का अंदर साक्षात सरस्वती बाघ देवी अपराकृत सरस्वती बैठी हुई है जवान पे। बागी सजस्य बदने लक्ष्मी रजस्य चबक्षसी, ये शिवस्य चिन्ह है, इसके द्वारा लक्ष्मी को पकड़ के रखी है। तो भगवान के शक्तियां भगवान के साथ ही रहते हैं, अलग नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आके चिल्ला रहे हैं ऐसे, कदाचित मिश्रा वासे बजपति सुतस्य उरविरहात सतत्सि संदित्तात अददद अधिकदर्गम भुजवतो, हैं लुठनो भूमो लुठनो भूमो का विकल विकल गद गद बचा, हैं ये जो श्लोक है सुंदर, इसका व्याख्या सुनोगे कभी। चिल्ला रहे ऐसा जो गौरंग है, ऐसा जो गौरंग कनका चल कनक की पहाड़ जैसे सोने की पर्वत, सोनारो पर्वत जैनो भूला धूला से लुटाए, ये कनक पर्वत जैसे हमको दिख रहा है, कनक पर्वत धूला से लुटाए, लुटपुट हो रहा है। इसी अवस्था में देखे, क्या देखे, वो लुटपुट हो रहा है और जगतवासी इसका फायदा ले। ये साक्षात भगवान होके भी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, और इसी जो पिक्चर है सोने का पर्वत लूटपुट खा रहा है, और भक्ति वाला तित्व को से मारा हमारा नसीब फूटा हुआ है अभी, और जब कीर्तन में निकलते थे और चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कैसे सुंदर, उसी समय में लगता था कि साक्षात गौर हरि नित्यानंद प्रकट होके उसका पीछे नित्य देखने का सौभाग्य मिला, और ये दोबारा ये सौभाग्य नहीं आए, और नहीं है। ओ महाराज गया, वो दिन गया, वो दिन आएगा नहीं। और उसी पिक्चर को नित्य जगत में हम दर्शन करें तो हमारा दर्शन अच्छा खासा हुआ। अब हम चिंता करें महाराज तो नित्य जगत का है, तो भले ही हम वो अशुष्ट लीला कर रहे हैं, हम नित्य जगत में देख रहे थे, तो महाराज नित्य कर रहा है, विद्यानगर जा रहा है और पूरा माता लग, उसमें क्या कमी होगा, रोक सकोगे हमें, हमको चैतन्य गौरी मठ से आप निकाल सकोगे, कैसे निकालोगे, हम तो चैतन्य गौरी मठ में है, चैतन्य मठ में है, कैसे निकालोगे, निकालो देखे तुम्हारा हिम्मत। वहां लिखा हुआ है सुंदर सोनार पर्वत जैन धूला ठेल उठा है, और रघुनाथ दास गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे बोलते हैं, हृदय उदयत मांग मदयती, ऐसा जो पिक्चर है रंगीले छवि, ये छवि हमारा हृदय में सदा उदित रहे। तो गौरांग कनकाचल सोने के पर्वत एकदम प्रेम के मारे उछल रहा है और गिर रहा है जमीन में, ये जो पिक्चर है, ये जो छवि सदा हृदय कंदरे स्फुरत सचिनंदन, ये होना ही भजन का सिद्धि, इसका ही बोलता है भजन का सिद्धि। जब तक ये ना हो तब तक धाम में आना, संतों का संग करना, महाराज दो बातें सुनना, वो तो फजूल हो जाएगा, बिकर हो जाएगा। धाम का परिक्रमा कब सफल होता है, जब संसार का परिक्रमा में तुम्हारा दिलचस्पी नहीं है। क्यों धाम परिक्रमा करवाया जाता है, वाई धाम परिक्रमा का पीछे क्या राज है। प्रभुपाद बोलते थे देखो ये सारे बद्ध जीव ये संसार का परिक्रमा करते करते थक थक गए हैं, थक चुके हैं, फिर भी वो बोलते नहीं इनाफ अफीर, बहुत संसार देख लिया महाराज, आप भगवान दिखाओ, ये बोलते नहीं, थक चुका है, बोले बेटा हम तो मर गया, फिर भी बोलता नहीं बस करो हमको संसार ना चाहिए, चूल्हे में जाए संसार, हमको चाहिए कृष्ण, कभी तो ये निकालता नहीं, निकालता दिखाओ।
जवान में ये निकालता नहीं, इतना संसार देख लिया, अनंत काल से संसार कर रहे हो, फिर भी तो तुम्हारा अभी तो अभी तक तुम्हारा मन में सर्वस्पक्षण नहीं आया, और भी तुम आगे चलते हो, पोता पोती, पोता पोती, बेटा बेटी, दामाद, ये सब लगे नया नया संसार का पोटी खोल रहे हो, नया नया दरवाजा संसार का, नरक के दरवाजे खोल रहे हो उसमें, और अपने को फंसा के रखो, हमको क्या आएगा जाएगा, क्यों आए हो, क्यों आए हो ये वृंदावन में, ये वृंदावन में, यही वृंदावन में क्यों आए हो, ये तो वृंदावन धाम है, ये नवद्वीप धाम है, किस लिए आए हो, संसार वासना को फिर गाढ़ा करने के लिए और ज्यादा बनाने के लिए और छुटकारा पाने के लिए किस लिए आए हो बोलो, क्यों मजा चखने के लिए, मलाई लाबड़ी खाने के लिए आए हो, वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं महाराज एसी गाड़ी लेके, और गाड़ी आके गाड़ी को पार्किंग कर दिया, जो लागे मुंह मंगाए में हम गाड़ी को पार्किंग कर दिया, मलाई राबड़ी खाया और फिर गाड़ी में चढ़ा, बिहारी जी को मला थोड़ा सा फेंक दिया, हाँ हो गया वृंदावन दर्शन, हमने महाराज वृंदावन दर्शन करके आए, यही तो हमारा वृंदावन दर्शन है, वृंदावन दर्शन करना चाहते हो, सच्चा बोलो, वृंदावन दर्शन करना चाहते हो तो आओ, आओ सामने आओ, गुरु जी के चरण में आओ, वैष्णव के चरण में आओ, वो तुमको गंभीरा में ले जाएगा, गंभीरा, अरे गंभीरा तो महाराज नीलाचल में है, क्या उठपटांग बात करते हो आप, गंभीरा तो नीलाचल में है, अब वृंदावन तो इधर, नीलाचल तो 500 किलोमीटर होगा, 520-25 किलोमीटर, और महाराज वृंदावन तो 1400-1500 किलोमीटर, क्या बात उठपटांग बात करते हो, अब बोला हाँ महाराज ठीक ही बात किया, सिद्धांत की बात किया, वृंदावन देखना चाहते हो आओ, आओ सामने आओ, गुरु वैष्णव के चरण में आओ, गंभीरा का अंदर आओ, गंभीरा का अंदर में जब आओगे तो आपको वृंदावन दर्शन होगा, अरे गंभीरा का अंदर में जाए वृंदावन दर्शन होगा, ये हो ही सकता, गंभीरा तो छोटे से एक मकान है, उसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे, हाँ इसी में रहस्य है, राज है, गंभीरा में जब तक नहीं प्रवेश करोगे वृंदावन में कभी तक नहीं जा सकोगे, क्योंकि वृंदावन एक एक स्वरूप पकड़ कर अपना रंग रस को परिपूर्ण रूप में विकसित कर चैतन्य महाप्रभु का सामने उपस्थित है, चाहे तुम देख रहे हो महाराज ये तो चटक पर्वत है, चैतन्य महाप्रभु नहीं, चटक पर्वत नहीं है, तुम गलत देख रहे हो, ये तो गिरिराज गोवर्धन है महाराज, ये तो समुन्दर है, नहीं ये तो हमारा जमुना जी है, ये तो जमुना जी है, अरे नहीं महाराज ये तो समुन्दर है, भूल बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, उल्टपटांग बोल रहे हो, ये तो जमुना है, जमुना में रास कीड़ा हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु बोले हमको उठा के क्यों लाए, हमारा उठाएंगे नहीं, प्रभु समुन्दर में डूब गया और भक्त लोग पागल का मापी ढूंढते रहे, हमारा प्रभु कहाँ गया, हमारा प्रभु कहाँ गया, और महाराज पागल हो गया, कहाँ गया प्रभु, कहाँ गया प्रभु, एक मछुआरे ने दौड़ कर आ रहे हैं, अरे स्वरूप को से बोला ए क्या हुआ, अरे मत पूछो, अरे मत पूछो वहां भूत है, एक भूत है, भूत कहाँ है रे, बोले वहां भूत है, वह भूत पकड़ेगा, उधर मत जाओ भूत पकड़ेगा, बोले भूत पकड़ेगा कैसा है, बोले लंबा सा ऐसा करके बैठा हुआ, आंखें ऊपर है, आंखें ऊपर है, कैसा लंबा है रे, बोले बहुत लंबा, बहुत लंबा, स्वरूप को से समझ गया वो चैतन्य महाप्रभु है, बोले हमारे पास भूत भगाने का मंत्र है, इधर मेरा पास आ जा, मेरा पास आ जा, मैं भूत भगा देंगे, बोले एक माथे पे ऐसा लगाए, गया ना भूत, देख भूत गया, हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा तो लगता है भूत गया, हम गया तो नहीं पूरा गया, देख पूरा देख भूत गया कि नहीं, हमारा भूत गया, हाँ वो भूत नहीं है, वो हमारा प्रभु है, क्या बकबस कर रहे हो, प्रभु को कितना बार हम देखे हैं, प्रभु को देखे नहीं, वो भूत है, भूत नहीं है, प्रभु प्रभु नहीं है, बस चल ले चल, कहाँ तेरा भूत है, वो वहां मत जाओ, अब तो भूत तो चल गया, हम तो है, चल ले चल, और जाके देखे महाराज चैतन्य महाप्रभु प्रेम के मारे विवसित होकर एकदम सारे अष्ट सात्विक विकार होकर जो पानी का अंदर में बैठा हुआ है, पूरा बालू लग गया और कनकाचल अभी समुन्दर बाली में लुटपुट हो रहा है और कुनारक का ओर जा रहा है,
सब लोग पकड़ के ले आए, चलो प्रभु को लेके ले आए हैं। और जब प्रभु होश में आए तो अपना शरीर का जो है, जो अंगों का जो जॉइंट है, सारे अपना अपना जगह में बैठ गया, प्रभु स्वाभाविक अवस्था में आ गया। और आंखें को ऐसा करके कहा, कौन हो तुम लोग? ओ तुम लोग कहाँ ले आए हो हमको? क्यों तुम लोग कौन है? बोले प्रभु हम लोग है तुम्हारा अपना आदमी, देखो आंखें खुलकर। ओ स्वरूप दामोदर, ओ रहमास, हमको कहाँ लाए हो? क्यों उठा के लाए हो? मैं तो बस आनंद में डूबा हुआ था, आनंद में डूबा हुआ था। बोले हाँ हाँ आनंद में डूबा हुआ था, हमने देखा जमुना में कृष्णो लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, और उसी आनंद को देखकर हमको भी एक गोपी ने धक्का दिया, हमने पानी में गिर गया और आनंद के मारे वहाँ मजा ले रहा था। और महाराज आप क्यों उठा के लाए? हम तो मारा जाएंगे, आप क्यों उठा के लाए? ऐसा देख रहा था साक्षात कृष्ण है, ये मजे में इतना आनंद कहाँ मिलेगा, क्यों उठा के लाए हो? प्रभु तुम्हारा तो मजा चल रहा था कि हमारा जिंदगी का क्या गुजर रहा था, प्रभु आप कहाँ गए हो? ये आप बोलते हैं तो आप हमारा अंदर में क्या गुजर रहा था आपको पता नहीं, क्षमा करो हमको। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, क्या आपका समझ में आएगा? आएगा नहीं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद आदि जो सारे अपना सिद्धांतों को लिख दिया चैतन्य महाप्रभु का लीला का ऊपर, उसी को पल पल में हर वक्त हमको चर्चा करना है। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला है, हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु रागानुगा भजन को देने के लिए ही हमारे पास आए हैं, लेकिन फिर भी वो बात अभी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य भक्तगणे नित्य करो संगो, तभी तो जानी भी से सिद्धांत तरंगो। चैतन्य महाप्रभु का पार्षदों के संग करो, तभी तो आपको समझ में आएगा सिद्धांत तो क्या चीज है। प्रभु का एक एक आचरण तुम्हारा अंदर में एकदम एजिटेशन शुरू कर देगा। एक एक वैष्णव का एक एक सिद्धांत तो लेकर मारा हल्ला गुल्ला हो जाता, उन्होंने ऐसा बोला है महाराज, इन्होंने ऐसा बोला है। जब भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उस किताब का नाम जैव धर्म क्यों दिए हैं, इसका बारे में सारे पंडित समाज में हल्ला मच गया। ये कैसा बात है, ये जैव धर्म, ये क्या भी कोई नाम हुआ, ये क्यों दिया? ये तो हैं। अब प्रभुपाद का पास एक क्वेश्चन आया, प्रभुपाद बोले आचार्य जो भक्ति विनोद ठाकुर का मापी के जो आचार्य जो है, उन्होंने जैव धर्म जो लिखा है, ये जो नाम लिखा है ये सही लिखा है, क्योंकि आचार्य जो वैष्णवों का अंदर कभी गलत भावना नहीं रह सकता। जैव धर्म क्यों दिया है, इसका क्या माने हैं, प्रभुपाद तब व्याख्या करके बताया, तबे वो लोगों का जबान बंद कर दिया क्यों जैव धर्म नाम दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ये लोगों का अनुगत्य लेकर, इनका सिद्धांत तो लेकर अब चैतन्य महाप्रभु का लीला का चर्चा करो, तो आज और काल देखोगे के पूरा पूरा के पूरा आपका समझ में आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का लीला को लेकर बहुत हंगामा मच गया, हम दो एक बातें प्रस्तुत करें इधर कि आपको अच्छा लगेगा, जिंदगी भर याद रखने की कोशिश करो, भूलो मत। आज इस दफे नवद्वीप धाम में आना स्वार्थक हो जाएगा, मेरा गुरुजी का नाम लेकर आपको बता रहे हैं। दो इंसिडेंट बोल रहे हैं, जब गौर लीला कर रहे थे गौरांग महाप्रभु इधर पार्षदों का साथ इधर उधर नित्य कीर्तन करते थे, और देवानंद पंडित का उधर कि वो भागवत का कथा चल रहा था, और महाराज इधर शिवास पंडित कई बार उधर गया भागवत कथा सुनने के लिए, और भागवत का एक एक श्लोक में महाराज रसमय है, रस की सोर्स है, उत्स है, वो सुन के उसका आंसू अष्टसात्विक विकार होना ही स्वाभाविक है, कि तो वो तो शिवास पंडित है, इसका तो स्वाभाविक होगा ही होगा। तो इस तमाम ये जो भाव, ये देवानंद पंडित जी तब की जमाने में एक नंबर भागवत कथा बोलने वाले, ऐसा परिचय था, हमने नहीं बोल रहा है, तब के जमाने में ऐसा ही परिचय था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी जानते हैं,
जय श्रीवास पुंडी रोते थे एक भागवत का श्लोक सुनकर। तो उन्होंने सामने होते हुए भी व्यासासन में बैठा हुआ है, भागवत प्रवचन चल रहा है, तो उनके शिष्य लोग उसको उसके सामने ही श्रीवास पुंडी को लेकर बाहर में फेंक क्या है, जा क्या हल्ला मचा रहे, ऐसा ऐसा अभी कथा चल रहा है और रो रहा है ऐसा ऐसा करके, जा वही अपराध हुआ। क्यों? ये तो प्रेम के मारे उसका भाव आ रहा है, तुम उसको गाली दे के फेंक दिया बाहर, कितना बड़ा अपराध किया तुमने। तुमने अगर भगवान का चरण में अपराध करता तो उसका कोई सलूशन समाधान हो जाता, तुम्हारा सम्मान तुम्हारा समाधान हो जाता, कि तू भक्तों का चरण में अपराध मत करो। भक्तों का चरण में अपराध करने से उसका कोई समाधान निकलेगा नहीं, देयर इज नो सोल्यूशन। कीर्तन में आप गाते हो तुम्हार चरणे अपराधे नहीं को हैरान है, तुम्हार स्थाने अपराधे नहीं को हैरान, लेकिन भगवान चरण में अपराध करे तारे हरि नाम। भगवान के चरण में अगर मेरा अपराध हो गया, नाम करते चलो चिल्ला चिल्ला कर प्रेम से, प्रभु आज नहीं तो कल क्षमा करते ही रहेंगे, प्रभु विवश हो जाएंगे। क्षमा करना ही प्रभु का स्वभाव है, करेगा ही करेगा, लेकिन वैष्णव का चरण में अपराध ना करो। वैष्णव दयालु है लेकिन वो तो क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान बोलेंगे मेरा पास अपराध कर तो क्षमा कर दूं, लेकिन मेरा ये भक्तों का चरण में अपराध करे उसका कोई क्षमा हम नहीं करेंगे, उसका भोगना पड़ेगा। चापाल गोपाल को सामने रख के सब बात बोला, चापाल गोपाल जिसको कुष्ठ हो गया था, हे क्या हुआ तेरा, अभी कुछ नहीं हुआ, रह जा देखेंगे आगे कितना नरक तेरे लिए अपेक्षा में है, अब तो कुछ नहीं हुआ, तू बोल रहा बचाओ मेरे को, क्या बचाए तेरे को, क्या बचाए तेरे को, अब कुछ नहीं हुआ, कीड़े कट रहा है तेरे को ना, मजा लग रहा है तेरा, ये कीड़े कट रहा है कुछ भी नहीं, अभी है नरक, बैठ जा तेरा शांत होकर बैठ जा, तेरे को नहीं क्षमा करेंगे हम। बाद में जब बाद में सन्यास लेके जब कुलिया में आए, प्रभु अब तो बस करो, अब तो क्षमा करो, जा शिवास का पास जा, शिवास अगर क्षमा करे तो हो जाएगा, जा हम भी खुश आ जाए, जा शिवास का पास जाके पैर पका, क्षमा करो क्षमा करो, हो गया गलती तो हो ही सकता है, हम तो भद्र जीव है, चल ठीक है। शिवास तो ऐसे ही दोष पकड़ा नहीं था, फिर भी हो गया। देवानंद पंडित का बड़ा अपराध हुआ था कि तू वही तो भगवत का आसन में बैठा हुआ है, भगवत भक्ता का आसन में कौन बैठा था, तो ये उसका ही फर्ज था कि ये रुको ऐसा मत करो, शायद प्रेम हुआ होगा उसका, अब रुको ऐसा उसको फेंक के मत आओ, अपराध वो तो बोला नहीं, बोला जब चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में पहला बार के लिए गया तो क्या क्या नित्यानंद प्रभु आदि सब पीछे में आया, ये सब बारे में हम बाद में बताएंगे, फिर अभी समय कम है। चैतन्य महाप्रभु का जो दंड है ये तोड़ दिया नित्यानंद प्रभु, सब सारी सुंदर लीलाएं हैं। अब महाप्रभु ने बोले ए मेरा दंड लाओ नित्यानंद का, अब तुम्हारा दंड वो क्या है कि वो क्या है कि वो क्या है कि तुम्हारा दंड टूट गया, हमारा दंड टूट गया, हमारा दंड कैसे टूटा, जो तुम्हारा हाथ दिया, बोले दिया तो हमारा हाथ में, हम तुम प्रेम की मारे विवश होके गिरने गया और तुमको संभालने गया और दंड लेके हम भी गिरा, दंड के साथ वो टूट गया, तीन टुकड़ा हो गया, हम नदी में बहा दिया, नदी में बहा दिया, मेरा एक ही संपत्ति था वो दंडों को भी तुमने फेंक दिया पानी में, चलो तुम लोगों के साथ नहीं चलेंगे, हम अकेले चलेंगे, एक बहाना है बहाना है बहाना है, चले इसका व्याख्या बाद में करेंगे कभी समय हो। तो चलना शुरू कर दिया, और महाप्रभु का चलना तो वायु का मापिक चलना शुरू कर दिया, और महाराज आठरनला आके जगन्नाथ का जो मंदिर है उसमें सुदर्शन चक्र को देखा, प्रेम के मारे बेबस हो के बड़ गिर गया, और किसी भी हालत से अपने को संभाला और दौड़ के गया नरेंद्र सरोवर होके, और जाके कहाँ गया जगन्नाथ मंदिर में, और जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ को दंडवत करके अंदर, अरुण और गरुड़ दोनों को दंडवत करके अंदर में गया और उसको रहा नहीं गया, जगन्नाथ को देखे साक्षात कृष्ण राधा लिंगित विग्रह, राधा रानी को बाया में लेकर साक्षात बैठे हुए है जगन्नाथ, आप देखते हो जगन्नाथ का हाथ नहीं है पैर नहीं है,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखते हैं जैसे राधा रानी को लेके बैठे एकदम रत्न सिंहासन, और रहा नहीं गया, छलांग लगा के दौड़ लगा के एकदम कृष्ण मिल गया हमारा और उसको पकड़ो भग जाएगा, और गया तो विवश होके गिर पड़ा, प्रेम के द्वारा मर्चित हो गए, और आजू बाजू में जितना सारे पंडा लोग हैं सब क्रोधित हो गए, क्या इतना हिम्मत है जगन्नाथ को पकड़ने के लिए, मारो इसको पिटा के फेला दो। और उसी जगह सर्वम भट्टाचार्य जो हे रुको क्या कर रहे हो, क्यों सर्वम भट्टाचार्य जो बहुर राजा का आदमी था, हे रुको मर रहे हो उसको, रुको रुक जा, क्यों क्या हुआ, ये साधारण नहीं है, इसका शरीर में जो विकार है ये कोई स्वाभाविक विकार नहीं है, ये दिखाई पड़ता है अष्ट सात्विक विकार, ये जो विकार है ये मनुष्य लोग में कभी नहीं होता, रुको रुको मेरे को समझने दो क्या बात है, बोल के अपना शिष्यों को बोले इसको ले चलो हमारा घर में, पर जगन्नाथ मंदिर से पूरा लेके गया उधर। अब बाद में जब होश आया तो बाद में आगे चलकर प्रमाण हुआ ये साक्षात कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेके आए और उसका ही इसी भाव ऐसा है कि आम आदमी को समझ में आना संभव नहीं है, आम आदमी को समझ नहीं आ रहा समय, देवानंद पंडित जब इतना बड़ा अपराध किए हैं तो शिवास को फेंक दिए हैं, प्रभु क्षमा कर सकता, संभव है क्षमा करना, प्रभु ने क्या किए, संकीर्तन लेके जब उधर से गुजर रहा था और भगवत कथा चल रहा था उसी जगह चल रहा था, तो प्रभु ने एकदम क्रोधी आंख जैसा हो गया, ये बेटा भागवत कर रहा है इसको क्या अधिकार है भागवत कर रहा है, चलो हम भागवत ले लेंगे, इसका हाथ से हम फाड़ लेंगे ले लेंगे, बोले गाली देकर उसके पास गया, ए तू भागवत पढ़ रहा है तेरे क्या अधिकार है भागवत में, जबकि जमाने में ये कहावत था कि ये भागवत का एक नंबर प्रवचन करता था, एक नंबर का बच प्रवचन होता था उसका जवान पे, लेकिन महाप्रभु बोले ए बेटर भागवत है कौन अधिकार, इसको कौन अधिकार है, भागवत स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, भागवत पाठ कर रहे हैं, अब देखो तुम्हारे सामने ये सब छीन लेंगे। आगे चलकर जब बक्रेश्वर पंडित जी का सेवा किए यही देवानंद पंडित, तब महाप्रभु प्रसन्न हुए कृपा किए, और बाद में ये थोड़ा प्रेम मिला इसको, किसको, देवानंद पंडित, यही देवानंद पंडित का ये जो अपराध का जो विषय है इसको मानव समाज में भक्त समाज में नित्यकाल के लिए एकदम स्लोगा एकदम बना के रखने के लिए श्रील केशव गोस्वामी महाराज वही देवानंद गौड़ीय मठ नाम रखा था, किसने रखा था, ताकि ये आदमी तो सब भूल जाते हैं, हम ऐसा मठ का नाम रखेंगे कि आदमी कभी भूल नहीं पाए कि ऐसा हरकतें करे तो उसका पनिशमेंट क्या मिल सकता, तो नाम रहे देवानंद पंडित, देखो देवानंद पंडित अपराध किया तुम मत करो, जब ही देवानंद पंडित का नाम आ जाए एक देवानंद गौड़ी मठ चलो, तभी माना देवानंद पंडित और तो अपराध किया था याद आ जाएगा, इस अपराध को सामने रखते हुए उन्होंने नाम रखा है चलो अनंत काल के लिए रह जाएगा देवानंद गौरी मठ, और अपना जो तोरण है मैं गेट लगाया है गेट का नाम दिया है नरहरि तोरण, अब आदमी को समझ में नहीं आया नरहरि तोरण, तोरण मैंने गेट, तोरण मतलब गेट संस्कृत में तोरण बोलता है नरहरि तोरण क्यों महाराज रखा है, पहले नरहरि तोरण इसलिए रखा है नरहरि प्रभु बोल के एक गौरी मठ का एक बड़ा भक्त था प्रभुपाद का आश्रित जन, जिसको गौरी मठ का माताजी बोला जाता था, उसको टाइटल था ये पू तमाम गौरी मठ का माँ है, इसका इतना स्नेह है, वो अंतिम जीवन में केशव गोस्वामी महाराज जी का साथ अपना शरीर को अपना लीला किए और केशव गोस्वामी महाराज का पहले ही अपना शरीर छोड़ दिए, तो ये देखने को बना था कैसा केशव गोस्वामी महाराज वैष्णव का विरह में कितना चंत्रणा होता है कृष्णा कितना रोना आता है ये दिखाया था केशव गोस्वामी महाराज, रोते रोते हरि कथा बोला
नरहरि प्रभु का विरह तिथि में जो हरिकथा बोला केशव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यवत केशव गोस्वामी महाराज। और इसका दोनों माने हैं, किसने एक गेट का नाम नरहरि तोरण रख दिया, इसके दो माने हैं। एक माने हैं ये तो अपना जो गुरु भाई है नरहरि प्रभु, इसका नाम है नरहरि तोरण, और दूसरा नरहरि ये तो नृसिंहदेव है, नरहरि तो नृसिंहदेव। तो जिसका जो भावना है वो समझ लो, लेकिन आइदर वे वी आर गोइंग टू बेनिफिट, जो भी आप सोचो, लेकिन मंगल ही मंगल, क्योंकि वैष्णवों का नाम में मंगल है, नृसिंहदेव का नाम में मंगल है, क्या मंगल है। तो वैष्णव का एक एक क्रियाक्रम में छुपा हुआ रहस्य रहता है, छुपा हुआ रहस्य रहता है। ऐसा करके एक एक करके चैतन्य महाप्रभु चुन चुन के एक एक लीला को हम बताएं, अब देखोगे इसका अंदर में क्या मिठास है, क्या रहस्य है। आज अगर आपका अंदर में ये भावना आया कि जरूर हम चैतन्य महाप्रभु चरण में पहुंचेंगे ये शरीर छोड़ने का बाद, तो बस करो, संसार बहुत हुआ है, अब उसको छोड़ो, अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, नहीं तो इतना फायदा इतना मिलते हुए भी अब रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। उसको लेकर आगे बढ़ो, तमाम आपके लिए इंतजार में है, आओ आओ आपको देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ले नहीं रहा। गुरुदेव बोलता है हमारा पास आ, गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, क्या करें, उपाय भी नहीं है। बहुत सारे चीज व्याख्या करने का इच्छा था, लेकिन आज समय भी अल्प है, इधर सुबह 7 बजे से चल रहा है। इधर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आज ही का दिन हुआ था, गौर पूर्णिमा, और आविर्भाव का साथ साथ कई सारे मकसद है, कई सारे कारण है, सिद्धांत है, ये बताने के लिए टाइम चाहिए। हम दो एक शब्दों में थोड़ा बहुत आधा बताएंगे, पूरा बताने का टाइम नहीं मिलेगा। ये जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं ये तो संकीर्तन को जगत में प्रतिष्ठा करने के लिए, नाम संकीर्तन को प्रतिष्ठा करने के लिए जगत में चैतन्य महाप्रभु आए। यही प्रधान कारण नहीं है, ये तो आनुषंगिक कारण है, इसका पीछे और राज है, उसको सुनने के लिए आपका धैर्य धारण करना पड़ेगा, अपेक्षा करना पड़ेगा, इसके पीछे क्या रख था, क्या रहस्य था, क्यों चैतन्य महाप्रभु आए और अपना ये सब लीलाएं रचे हैं, सारे हमारा लिए रचे हैं। संकीर्तन का साथ साथ विशेष ये है, ये नवद्वीप धाम में तब की जमाने में पखंडी लोग का भीड़ था, अरे हरिनाम नहीं करते थे और वैष्णवों को गाली देते थे, और महाराज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के साथ साथ देखा गया जो पखंडी लोग है वो भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे और गंगा का ओर दौड़ के जा रहे हैं कि वहाँ डुबकी लगाने के लिए। वो भी चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण पूर्णोचुंद चंद्र ग्रहण था, आधा चंद्र ग्रहण नहीं था, पूरा चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण को उपलक्ष्य करके चैतन्य महाप्रभु इधराधाम में आए हैं, और संकीर्तन जगों को बचपन से ही जब इतना नन्हे मुन्ने थे तब से वो रोते थे, और जो गोपियों थे ये गौर हरि हरे कृष्ण ऐसा बोले तो चुप हो जाते थे, भले महाराज ये तो अच्छा सिग्नल मिला, जब ये रोए बच्चा तो तभी हरे कृष्ण गौर हरि ऐसा बोले तो चुप हो जाएगा, अच्छा बहाना मिला। इसी बहाने से चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन नाम संकीर्तन को ये पूरा तमाम जगत में फैल दिया है। आप जैसे एक वैज्ञानिक कारण भी है, जब चैतन्य महाप्रभु ये हरिदास ठाकुर का सच्चा बहुत सारे चीज बोलने को इच्छा होता है लेकिन टाइम नहीं परमिट करता, जब हरिदास ठाकुर बोलते हैं प्रभु आप जब हरिदास ठाकुर का साथ हरिनाम का महिमा का विषय चर्चा हुआ रहा था, एक जगह है हम बाद में बताएंगे, तब तो हरिदास ठाकुर को प्रश्न किए, हरिदास ये मुसलमान लोगों को जवान लोगों को कैसा उद्धार हुआ आप बताओ तो, हम तो बहुत चिंतित है। तो हरिदास ठाकुर बोले प्रभु आप चिंता क्यों कर रहे हो, वह क्यों चिंता करने का ही तो बात है, चिंता करने का ही तो बात है, वह काहे का चिंता, जवान लोग तो कभी कभी बोलते हा राम बोलते हैं, हा राम बोलते राम तो है ही, राम शब्द तो है ही है, उसके द्वारा ही उसका संसार छूट जाएगा, भले ही मुसलमान है तो राम तो किया है नाम तो इसमें संसार छूट जाएगा। ऐसा करके हरिदास ठाकुर बोले अच्छा ऐसा है, ये जो पहाड़ है नदी है ये जो चट्टान है ये सबों का कैसे उद्धार होगा,
तो प्रभु को हरिदास को बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, आपको देखे हैं जब जंगल से आप जा रहे थे, सब सिंह बाघ हैं, बघेरा हरिन हिरन और जितना सारे हाथी, सब कोई को हम नाम करवाया, सब कोई आपका साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल के नित्य किए थे, तो क्या आज आप नहीं कर सकते हो? आप पृथ्वी का कई भी प्रांत में रहकर जब हरे कृष्ण बोल के कीर्तन किए थे, वो हरे कीर्तन का जो धनी है तमाम ये पृथ्वी में ट्रांसमिटेड हो गया था। जैसे मोबाइल में कथा बोलते हो, एक जगह से कथा को कैच करके ट्रांसमिट कर देता है, चैतन्य महाप्रभु का बातें जो है हरे कृष्ण इस शब्दों का तरंगो अनंत, ये जो हमारा ये जो पृथ्वी में जितना सारे पार पार नदी नाला हर जगह है शब्दों का तरंग, ये तो भगवान का शब्दों तरंग एक सीक्रेट बात बता दिया, कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा जब तक जियोगे, ये सीक्रेट बात है। और जो हरे कृष्ण बोला, हरे कृष्ण कितने बार संगीत, तमाम जिंदगी पूरा जिंदगी प्रभु ने संकीर्तन किया, वो एक एक संकीर्तन का धनी पहाड़ पर्वतों में चट्टान में इधर उधर जाके उसको चेतना दान किया। महाराज भगवान का संस्पर्श में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और हमारा दिल इतना लोहे का मापिक हो गया तो ये दिल पिघलता क्यों नहीं महाराज? इसे नरोत्तम ठाकुर कीर्तन किए, पशु पाकी झुड़े पाषाण विदोरे सुनी जार गुनो गथा, हमारा हृदय तो ऐसा ऐसा लोहे जैसा बन गया, लोहे ही बन गया, तो वो हमारा पिघलता नहीं, प्रेम आता नहीं हमको, कि सिर्फ बहुत सारे हमारा अंदर में तर्क वितर्क का एकदम लहर उठ रहा है, ये तो हमारा जिंदगी का कोई लक्षण नहीं है, मानने का लक्षण है। जो भी है बहुत सारे चीज है, राधा रानी का भाव लेके प्रभु, राधा रानी का भाव शरीर का वरण लेके आए, राधा रानी कैसी भाव लेके कृष्ण रस आस्वादन की है जगतवासी को दान करने के लिए, महाप्रभु का एक एक उठना बैठना चलना बोलना सारे सिद्धांत हैं, ये तो आपको गुरु वैष्णव का साथी मिलेगा, अकेला आप किताब लेके पढ़ लोगे तो ये रस नहीं मिलेगा। महाराज आपको अगर बोले महाराज मधु चाहिए, तो आपको किसी ने बोले महाराज तमाम ये जो गार्डन है बगान है ये बगीचे का जितना सारे फूल सारे तोड़ फोड़ के आपका पास हम दे देंगे, आप इसी से थोड़ा शहद मधु निकाल कर हमको दिखा, इज इट पॉसिबल? हमी बागने जत फूल आछे समस्त किचू हमी छिड़े तुम्हें दिए दिलाम, तुम्हें ओखान थेके आमाके एक बिंदु मधु बार करे देखाओ, इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? तो फिर बोले महाराज इसके लिए तो मधुमक्खी का ही शरण में जाना पड़ेगा, वो तो महाराज उसका ही काम है, हम जितना भी कोशिश करें उसको घिस के पिस में ग्राइंडर में उसको पानी दे के घिस पिस के कुछ भी करे महाराज तो लटपट हो जाएगा, एक बूंद भी मधु नहीं निकालेगा, लेकिन मधु तो तब निकालेगा ओ महाराज मधुमक्खी को बुलाना पड़ेगा, इनवाइट आप आओ कृपा करके मधु को निकालो और अपना चाक में जमा करो, बाद में हम लूटेंगे, गुरु वैष्णव रख के गया अब हम लूटेंगे, बोलो गौर हरि बोल लूटेंगे, ये तो मधु है ये संभव नहीं है। आज यहीं तक रहें, फिर हमारा भी बहुत सारे भजन का किए कर्म है, यहाँ तक संतुष्ट रहो माता जी, कुछ बोलने का टाइम नहीं है अभी, वांछा कल्पतरु सिखी बासिंद पतितानं पावन भो वैष्णव भ्यो नमो नमः।